अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र। सो टुडे वी आर हियर एट औरंगाबाद एंड आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड विथ मी आई एम हैविंग सैयद रिशाखत साहब। सो लेट अस टॉक एंड लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। और जो भी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ कर रिशाखत भाई से पूछेंगे, स्पेशली आज बर्ड्स में जो आप लोगों को कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा साथ में है, इन्हीं से ज़्यादा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। सबसे पहले जो आपका शौक़ है इसके बारे में कुछ बताइए, आप क्या नाम है आपके इस आइवरी का? भाई मेरा एयरपैड्स बोल के हैं। एयरपैड्स? हाँ, और अपना यूट्यूब चैनल भी है एयरपैड्स। वहाँ पे पूरे बर्ड्स से रिलेटेड पोस्ट रहते हैं। ओके। और अपने पास अल्बिनो फिशर है और कॉकटेल्स रहते हैं। ओके। और अफ्रीकन ग्रे पैरेट भी है। ओके, तो तीन वैरायटीज के बर्ड्स है आपके पास फिलहाल। और ये सब शौक का है भाई, अपना कोई सेलिंग का वीडियो नहीं है ये। सिर्फ शौक बता रहे। शौक बताना है बस औरंगाबाद में। और रेदर देन दिस आपका कुछ ट्रेडिंग वगैरह का काम है या आपके पास कुछ बच्चे वगैरह? भाई कोई रिक्वायरमेंट आती है तो अपन इंशाल्लाह बता के करा देते हैं। जो भी नॉमिनल चार्जेस रहते हैं वो बताकर कमाते हैं। अच्छा, छुपा नहीं रहता है कुछ भी अपने। अच्छा, मतलब आपका पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम है। जी जी। ओके। और अपन शौकीन है भाई, व्यापारी नहीं है। ओके ओके। तो रिशाखत साहब, सबसे पहले आपका ये जो लोकेशन है माशाल्लाह इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आपका ये प्रॉपर लोकेशन कहाँ पर है ये? जी, ये अफान कॉलोनी बीड़ बाईपास पे रेलवे स्टेशन के नियर है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। ओके। आपके बर्ड्स के जो शौक है इसके बारे में कुछ बताइए, आप कब से कर रहे हो ये शौक? भाई ये तकरीबन मेरे को तो 4 साल हो गए। चार साल से शौक कर रहा हूँ मैं। ओके। और पहले मैं बकरियों का शौकीन था। अच्छा। बकरियाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा पैर की वजह से बकरियों का नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने तो बर्ड्स का शौक चालू किया। ओके। तो चलिए फिर अब ज़्यादा आपके आइवरी में जाके आपके कुछ बर्ड्स बताएंगे जो कि नॉट फॉर सेल रहेंगे। जी बिल्कुल भाई, है ना। सिर्फ उसमें 2 अल्बिनो कॉकटेल की फीमेल है। ओके। वो अगर किसी को चाहिए तो अपन दे देंगे। ओके ओके। चलिए फिर आइए नीचे आकर आपकी बर्ड्स बताएं। सो फ्रेंड्स, हियर वी गो, हियर आर सम बर्ड्स। रिशाखत भाई, सबसे पहले ये कॉकटेल्स, ये भाई देखिए 2 फीमेल है, ये अवेलेबल है अपने पास सेल के लिए। दोनों भी डीएनए के साथ है और एज है तो उसके 9 to 10 मंथ्स है और रीसेंट डीएनए अवेलेबल है। ओके, रीसेंट डीएनए अवेलेबल। जी। एजेस क्या होंगे इनकी? एज है तो 9 to 10 मंथ्स। 9 to 10 मंथ्स। जी। ओके, एक मिनट, क्लोज व्यू लें, अंदर डाल सकते। ओके। अल्बिनो रेड आइज है और अल्बिनो पर ऊपर है। क्वालिटीज़ के बारे में आप ही बेटर जानेंगे और आप ही ज़्यादा। भाई वो तो देखने वाला शौकीन समझ ही जाएगा क्या क्वालिटी है। ठीक है, जो जो ज़रूरी बातें हैं आप चाहे तो बता सकते हो, बिकॉज मुझे इतना भाई इसमें देखिए क्रश देखिए उसका जो क्वालिटी उसकी तभी समझ में आएगी। ये अभी नीचे अपने पास म्यूटेशन बर्ड्स है अफ्रीकन में। ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू है, पॉसिबल स्प्लिट ब्लू। अब इंशाल्लाह ये ब्रीड हुए बाद में समझ में आएगा कि स्प्लिट ब्लू कंफर्म है क्या। अच्छा, इसकी फीमेल अंदर है। फीमेल अंदर अभी रेडी टू ले है। बताइए, निकालिए आप। ये देखिए आगे रेडी टू ब्रीड है अभी, बॉक्स जी है अपने। हाँ, ये नॉट फॉर सेल है, ये पार ब्लू है। कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल करवा सकते हैं बर्ड्स? भाई आपको हर चीज़ मिल जाएंगी म्यूटेशन बर्ड्स में इंशाल्लाह। ये नेस्ट देख लीजिए, उसकी नेस्टिंग कैसी कंप्लीट किया हो गया है। नेस्टिंग कुदरत कैसी है देखिए, अल्लाह ने बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है, अभी रेडी हो गया इंशाल्लाह, हफ्ते भर में एग्ज आ जाएंगे। सही। ये नीचे एक और एक पैर है। ये भी रेडी हो चुका है ब्रीडिंग के लिए। यहाँ पर कौन से है? ये ऊपर है। अच्छा, यहाँ चला गया। ये इसमें ब्लू यूविंग वायलेट यूविंग ऑफलाइन की फीमेल है और वाइट ब्लू स्प्लिटिनो का मेल है। ये मेल एक्स्ट्रा था मेरे पास, उसकी पैरिंग नहीं है वो। अच्छा, पैरिंग नहीं है। हाँ, अभी छोड़ा है बस मैंने। इसके लिए मैंने वो पार ब्लू ऑफलाइन का मेल मंगाया, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा। अच्छा, तो इसके भी बच्चे अवेलेबल रहेंगे अपने पास इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर। 2-3 महीने का जी। ओके। और यहाँ पे अपना अल्बिनो का सेटअप है। अच्छा,
आपका ऊपर बड़ा सेटअप बता रहे थे आप, लेकिन अभी फिलहाल आपने ये इसे शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट किया। ओके, ये अल्बिनो का पैर है आपका, ये अल्बिनो का मेल है और वाइट बुल स्प्लेटिनो की फीमेल है। तकरीबन मेरे पास 7 पैर्स ऐसी है। अच्छा, 7 पैर्स। इसमें कैसा है, ब्लैक आई ब्लड डालने की वजह से ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चे भी हेल्दी रहते हैं। राइट राइट राइट। कैसा है, रेड आई टू रेड आई जो है थोड़ा सा वीक ब्लड लाइन है, और मेन कैसा है, ब्रदर सिस्टर का जोड़ा नहीं होता है, नहीं होता है। कोई भी ब्रीडर अगर बेचता है तो झूठ बोलकर बेचता है कभी कभार। अच्छा, पैसों के लिए हर कोई नहीं बेचता, पर कोई कोई रहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अपन ब्लैक आई बर्ड डाल दिए। हाँ हाँ। तो अच्छा रिजल्ट आता। सही। ये तकरीबन पूरे जोड़े वैसे ही है भाई। हाँ। ये भी रेड एंड ब्लैक, ये रेड आई ब्लैक आई। सही। ब्लैक आई पूरा स्प्लिट इन है कन्फर्म। ये देखिए, इसमें ब्लैक आई में टॉर्च भी मारेंगे तो रिफ्लेक्ट करेंगी रेड, तो वो स्प्लिट इन रहता है। स्प्लिट इन रहता है। ओके। उसके बाद नीचे भी ये भी एक और एक पैर है, ये भी एक पैर। ये तकरीबन पूरा मेरा ब्रीडिंग का माल है, अभी बॉक्सेस में लगाया हूं। अल्बिनो के 3 पैर है। हां, 7 पैर है। 7 पैर है टोटल। हां, ओके ओके। और कॉकटेल्स में एक है, कॉकटेल में अभी एक वो अवेलेबल है। ये तो नॉट फॉर सेल है, ये तो नॉट फॉर सेल। राइट। ओके, ये बैक साइड भी है, यहां पर देखो मुझे। ये भी सेम है। हाँ, ये सब रेडी टू ब्रीड पैर से थे। इंशाल्लाह बॉक्सेस लगाएंगे। हाँ हाँ। ये देखिए आप क्लोज व्यू लेते हैं। राइट। ओके। उसके बाद नीचे भी है। जी। इधर ही है। पूरे एक ब्लैक आई फीमेल या ब्लैक आई मेल है, स्प्लिटिनो, और रेड आई मेल या फीमेल, ऐसी ही पैरिंग। और सब डीएनए के साथ है, सब डीएनए के साथ। हाँ, डिफरेंट ब्लड लाइन के बर्ड्स है, बच्चे भी अच्छे आते हैं। ओके, सेलिंग के बारे में कुछ जानना चाहूंगा आपके बारे में। सेलिंग का आपने मतलब कहां तक गया है आपका? अलहमदुल्ला भाई, मुंबई जाता है अपना माल, पुणे जाता है, और हैदराबाद पहले जाता था, पर बस सर्विस बंद होने की वजह से वहाँ पे नहीं जाना है। इजीली हो जाता है ट्रांसपोर्ट? हाँ, हो जाता है ना। फिर नांदेड़ गया है, परभनी गया है। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट सब जगह पर भेजे अलहमदुल्ला। ठीक है, अभी बच्चे आने में कितना वक्त है? अभी ये देखिए 3 महीने के बाद आएंगे इंशाल्लाह। अभी ये नेक्स्ट वीक में बॉक्सेस लगा दूंगा, तो ब्रीडिंग नेक्स्ट मंथ से आना चालू हो जाती है। ओके। अभी अपने पास अफ्रीकन ग्रे का एक पैर भी है, वो शॉक के लिए। अच्छा, ब्रीडिंग पैर है। ओके। और अभी एक और एक पैर आने वाला है। ओके। हाई वैरायटीज में भी मतलब है आपका काम? जी जी, इसके बच्चे चाहिए तो मिल जाते हैं अपने पास। अच्छा, अफ्रीकन अफ्रीकन के भी, और अफ्रीकन ग्रे और अफ्रीकन लव बर्ड्स, अफ्रीकन लव बर्ड्स के भी। ओके, ठीक है, शो कर देंगे अपन। करेंगे जी। चलिए, आइए। सो विशालनाथ भाई, ये आपका ब्रीडिंग पैर है? जी। माशाल्लाह, क्या एज के हो चुके हैं? ये तो भाई कटरिंग है और येलो आइज है। ये 7-8 साल के ऊपर ही बर्ड है। अच्छा, ब्रीडिंग पहले। अच्छा, ब्रीडिंग हो चुकी है आपके पास? अच्छा, एग में नेस्ट है या नहीं? अभी तो मैंने फिलहाल में लास्ट वीक है तो बॉक्स लगाया, इंशाल्लाह ये महीने में। तो ये जो जाली पर बैठी है वो फीमेल है। अच्छा, ये जो स्टिक पर बैठा है मेल, ये मेल है। राइट। बहुत अच्छे बच्चे निकालता है। अच्छा, अच्छे ब्रीडिंग के लिए अच्छे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे निकालता है कम से कम। तो अभी इसके किड्स अगर आएंगे तो वो रहेगा, इसके चिक्स रहेंगे, इसके बच्चे मिल जाएंगे भाई, इसके बच्चे। ये तो जोड़ा नॉट फॉर सेल। ओके, और बाहर से अगर किसी को ब्रीडिंग पेयर या चाहिए तो हो जाएगा अवेलेबल भाई? इंशाल्लाह अरेंज करा देंगे। चलिए, ओके। तो ये आपका था शॉक। जी भाई। इसके अलावा आप बताएं कि आपका सेलिंग का काम चलते रहता है? सेलिंग का काम रिक्वायरमेंट पे देते हैं। रिक्वायरमेंट पे। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट करेंगे आपका? जी 937-0007-420। ओके, और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है इंशाल्लाह, जहाँ तक गाड़ी है, सर्विस है, ट्रेन या बस की, वहाँ दे देंगे। ओके, चलिए भाई। अपन तो सेलर नहीं है, सिर्फ रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं, किसी का जरिया बनते हैं सेलिंग और परचेसिंग के लिए। अच्छा अच्छा, तो आप ज्यादा मेरे को परेशान मत करो कि भाई लेना है तो ही कॉल कीजिए, वरना मत कीजिए। अच्छा, मतलब मैं थोड़ा तर्क लगेगा आपको कि मैं ऐसी क्यों रोड बात कर रहा हूँ, पर कैसा रहता है, कोई कोई बहुत
खतरनाक टाइम पास आ जाते हैं, आपको भी पता है। बिल्कुल वो तो होते ही हर पेड़ में होते हैं, आपके बर्ड्स में क्या हमारे उसमें क्या। बाकी देखिए कुछ रिक्वायरमेंट रही किसी की कुछ हेल्प करने का रहा तो बिल्कुल अपन रेडी है आधे रात। जो न्यू कमर्स है खास तौर से ये अप्रोच करेंगे आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि न्यू कमर्स का बहुत ज़्यादा भरोसा होता है शौकीनों पर। और माशाल्लाह कही है भाई सब। जी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग माशाल्लाह की बहुत खूबसूरत ब्रीडिंग पेयर है और अंदर भी आप लोगों ने कुछ बर्ड्स देखा। जो शौकीन भाई से जुड़ना चाह रहे हैं और रिक्वायरमेंट होने पर आप लोग कॉल कर सकते हो। बाकी डिटेल्स तो बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर भी मिल जाती है ना रिशाखत। तो चलिए रिशाखत भाई, फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। जी इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर आपके पास आना होता है तो आपके शौक को और बताने की कोशिश करें। भाई यू आर ऑलवेज वेलकम। चलिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।